पैरोट दीपांकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा अपडेट रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांकर। पैरोट दीपांकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बात करूंगा। सिक्योरिटी सिस्टम आज का ज़माने में एक बहुत ही एसेंशियल टेक्नोलॉजी बन गया है और सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए क्राइम रेट भी धीरे धीरे कम रहा है। दोस्तों, हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं सीसीटीवी के बारे में, फिर भी मैं कहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नोलॉजी का वीडियो फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं इन वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा डिटेल्स सीसीटीवी का, कि इसका सेटअप कैसे किया जाता है, क्या क्या चाहिए सीसीटीवी एक फुल सेटअप के लिए, इसका ऑनलाइन मतलब इंटरनेट सेटअप मतलब आप यहाँ आपका कैमरा लगा हुआ है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, वहाँ जाके आप अपना मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू कैसे यहाँ का लाइव व्यू आप कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि मेरा ये वीडियोज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा तो बेसिक से लेके ऑनलाइन तक पूरा सेटअप आप खुद ही सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में सीसीटीवी सेटअप मतलब बेसिक सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए, उन सब का नाम और वो सारा प्रोडक्ट्स का नाम एंड सीसीटीवी का बेसिक सेटअप हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक सीसीटीवी बेसिक सेटअप्स के लिए जो सारा मटेरियल्स का रिक्वायर्ड होता है मतलब ज़रूरत होता है, वो मैंने सारा अरेंज कर लिया। अभी हम एक एक करके इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मेन जो पार्ट है, डीवीआर और कैमरा, पहले हम लोग इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सिक्योरा ब्रांड का डीवीआर है ये, 16 चैनल डीवीआर 1080p का है और इसका पीछे आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं थोड़ा इस बारे में बता देता हूँ, ये जो डीवीआर है ये 16 चैनल का मतलब 1 2 3 4 5 6 करके आप यहाँ सबसे ज़्यादा 16 कैमरा आप इस डीवीआर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका नीचे का जो मॉडल का डीवीआर है उसमें 8 पोर्ट का होता है, उसको कहते हैं 8 चैनल डीवीआर, मतलब उस डीवीआर के साथ आप सबसे ज़्यादा 8 कैमरा लगा सकते हैं और उसके नीचे जो है 4 चैनल मतलब सबसे ज़्यादा 4 आप कनेक्ट करते हैं, 4 कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं उस डीवीआर के साथ। और यहाँ देखते हैं ऑडियो पोर्ट्स है, यहाँ लिखा है थोड़ा देखिए, ऑडियो इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी देखिए थोड़ा पोर्ट नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 करके 16 तक, ठीक है। तो 1 2 8 मतलब ये सारा जो कैमरा कनेक्टेड होगा मतलब लगा रहेगा इस पोर्ट में, उसी कैमरा में अगर ऑडियो कोई आप लगाएंगे, माइक लगाएंगे, तो उस 8 का पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, ऑडियो पिन, यह आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑडियो इनपुट 9 to 16, समझिए कि ये 8 छोड़ के बाकी में भी आप मतलब ऑडियो लगाया है कैमरे के साथ, तो उसके
ऑडियो को मतलब ऑडियो का इनपुट के लिए ये जो है ये आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, सॉरी लगा के बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 16 चैनल ऑडियो के लिए यहाँ 1 to 8 जो कैमरा लगा हुआ रहेगा उसका सारा ऑडियो का पिन यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी का जो 8 ऑडियो का पिन होगा आपको यहाँ मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बता देता हूँ इसके बारे में, ये लैन पोर्ट है, लैन पोर्ट मतलब ये एडवांस में चला जाएगा, इसका बाद में जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम इस लैन पोर्ट का कैसे काम वो सारे डिटेल्स में बताएंगे, अभी देख लेते हैं। और क्या है, ये एक पावर ऑन ऑफ का स्विच है और ये 12 वोल्ट शायद 4 एम्पेयर का पावर अडाप्टर का पिन यहाँ कनेक्ट मतलब आपको करना है। और यहाँ एक USB पोर्ट है, यहाँ से आपको माउस या जब इस DVR का कोई रिकॉर्ड आप बैकअप लेंगे तभी यहाँ आप पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। और सामने जो है आप यहाँ से मतलब माउस कनेक्ट करवा दीजिएगा, माउस का जो USB रहता है आप यहाँ कनेक्ट करवा दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं और दो पोर्ट यहाँ है, ये पोर्ट है VGA HDMI। इस DVR का पिक्चर आउटपुट करने के लिए मतलब डिस्प्ले में दिखने के लिए ये दो पोर्ट हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई VGA मॉनिटर होगा तो इस केबल मतलब VGA केबल वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये जो VGA केबल आप सब भी जानते हैं जिसके घर में मतलब VGA केबल, आप एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ लिखा है नीचे देखिए VGA और यहाँ लिखा है देखिए ऑडियो इनपुट, मतलब गलती से VGA पोर्ट मत लगा दीजिएगा, VGA जहाँ लिखा होगा वहीं आपको ये VGA पोर्ट कनेक्ट करना है। और यहाँ कनेक्ट करने के बाद इसका अदर साइड आपको क्या करना है, मॉनिटर या TV का सब कनेक्ट करना है, ठीक है। और एक क्या है HDMI पोर्ट, ये देख लीजिए HDMI पोर्ट, आप वीडियो आउटपुट के लिए हम लोग VGA यूज़ कर सकते हैं या HDMI मतलब यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में एक ही फ़र्क है, जे VGA से आप अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑडियो आउटपुट के लिए यहाँ से एक सबवूफर या मतलब कुछ लगाना पड़ेगा ऑडियो सुनने के लिए। लेकिन अगर आप HDMI का यूज़ करेंगे वीडियो आउटपुट के लिए और HDMI के थ्रू क्या होगा कि आपको वीडियो भी आउटपुट मिल जाएगा और आपका मॉनिटर या TV में अगर इनबिल्ट स्पीकर होगा तो इसके थ्रू मतलब TV में आप साउंड और वीडियो एक ही साथ मतलब यहाँ से आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, DVR बेसिक हम लोगों ने देख लिया, अभी ये है सबसे मेन पार्ट और आगे हम देखेंगे कैमरा। इसको हम लोग कहते हैं बुलेट कैमरा और इसको कहता है डोम कैमरा। ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर में यूज़ करने के लिए ये हम लोग डोम कैमरा यूज़ करते हैं और आउटडोर के लिए बुलेट कैमरा यूज़ करते हैं, क्योंकि IP66 होता है ये बुलेट कैमरा, ठीक है। तो आगे कैमरा की भी बहुत सारा फीचर्स है, स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या कैसे काम करता है वो मैं बाद में बताऊँगा। और तो हो गया DVR कैमरा, उसके बाद मेन पार्ट जो है वो है हार्ड डिस्क, ये सर्वेलियंस हार्ड डिस्क, मतलब ये CCTV के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम लोग यही जो भी ब्रांड का ये WD का है आप सिगेट यूज़ कर सकते हैं या तोशिबा वगैरह वगैरह जो सारे हार्ड डिस्क है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि यहाँ सर्वेलियंस हार्ड डिस्क लिखा हुआ कि नहीं। अच्छा, ये गया और इसके बाद हम लोग बताएंगे SMPS। SMPS मतलब आपका कैमरा तक वोल्टेज AC लेके DC आउटपुट करके कैमरा तक वोल्टेज पहुंचाने के लिए, कैमरा को पावर देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आते हैं DC कनेक्टर, मतलब कैमरा का साथ कनेक्ट करके पावर देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा पावर। DC कॉर्ड दो तरीके का होता है, एक केबल वाला और एक स्क्रू टाइप वाला, ठीक है। और होता है BNC, मतलब केबल और कैमरा के साथ कनेक्ट करवाने के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार दिखा देते हैं ऐसे करके कनेक्ट और यहाँ से निकल जाएगा।
आपका केबल का कनेक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लिया हम लोगों ने सारा का सारा मटेरियल्स, तो अभी हम लोग असेंबलिंग का काम शुरू करते हैं, ठीक है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ एक बोर्ड है, एक बैटरी लगा हुआ है और दो हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ इस डिवियर में। तरह तरह का डिवियर में अलग सा सिस्टम है, किसी डिवियर में एक, किसी डिवियर में दो, किसी डिवियर में तीन हार्ड डिस्क भी आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस डिवियर में हम लोग दो हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो पहले हार्ड डिस्क कनेक्ट मतलब कैसे लगाते हैं हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ आपको इस हार्ड डिस्क को पावर और साटा केबल के साथ कनेक्ट करना है। कैसे, यहाँ ऑलरेडी पोर्ट है, बहुत ही इजी है, ये कर सकते हैं आप इजीली। ये देखिए हो गया कनेक्ट, साटा पोर्ट पावर, और इस दोनों में से किसी एक को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट में ले जाके आपको पुश करना है, हो गया। फ्रेंड्स केबल के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक से देखिए। ये जो सीसीटीवी का केबल होता है, इसका अंदर बहुत सारा मतलब पांच पार्ट होता है। इस केबल का अंदर आपको आपका पांच मतलब फाइव पार्ट्स होता है, ठीक है। ये देखिए ये तीन, एक रेड वाला, येलो वाला और ब्लू वाला, और ये ब्लैक वाला। ये ब्लैक वाला हम लोग यूज़ करते हैं वीडियो के लिए, और ये जो बाकी का तीन है इन दोनों को मतलब रेड और ब्लू को यूज़ करते हैं कैमरा तक डीसी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, और ये यूज़ करते हैं योलो वाला ऑडियो के लिए, ठीक है। तो अभी मैं बीएनसी कनेक्टर कैसे कनेक्ट करते हैं वही कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। सीसीटीवी पूरा इंस्टॉल के अंदर यही जो काम, यही ही थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, बाकी का सब भी बहुत इजी है। इसका ऊपर एक कोटेड किया हुआ है, ये कोट को आप मतलब यहां से हटा दीजिएगा, क्योंकि एक कोट, ये जो कोटेड है ये अगर इसका साथ कनेक्ट हो जाएगा तो पिक्चर आने में प्रॉब्लम हो सकता है डिवियर तक। यहाँ देखिए प्लस और माइनस लिखा हुआ है। ये प्लस साइन में हम लोग क्या करेंगे, ये तार का मिडिल मतलब वायर का मिडिल में जो हार्ड कॉपर का जो ये रहेगा वो, उसको हम लोगों को यहाँ कनेक्ट करना है प्लस में। फिर से देखिए ये वाला को प्लस में कनेक्ट करना है, ठीक है। और पहले इसको कर लेते हैं टाइट, हो गया। और जो नेगेटिव है इसे ऐसे करके यहाँ आप हमको कनेक्ट कर लेना है।
डीसी पावर भी दो तरीके का होता है, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का, ठीक है। अगर आप लोग ये यूज़ करेंगे तो यहाँ लिखा होगा प्लस माइनस, प्लस में अब क्या कीजिएगा, ये रेड वाला ऑलवेज प्लस में यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव में, और ये वाला नेगेटिव में। तो अभी फिलहाल मैं इस कनेक्टर, जब आप ये कनेक्टर यूज करेंगे तब देख लीजिए एक बार, यहाँ एक रेड सा स्ट्राइप दिया हुआ है, मतलब इसको हम लोग समझेंगे कि ये पॉजिटिव है और बाकी जो पड़ा रहेगा वो नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव में हम लोग अभी रेड के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, हो गया, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो ईओल वाला केबल मैंने बताया था ऑडियो के लिए, इसका अभी कुछ काम नहीं, अगर ऑडियो हम लोग लगाएंगे या यूज़ करेंगे तभी इसका ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके दोनों को एक साथ लेके हम लोग सील कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया कंप्लीट। ये गया कैमरा का साइड में, मतलब जिस साइड हम लोग कैमरा लगाएंगे उसी साइड हम ऐसे करके बना लेंगे, और दूसरा साइड मैं पहले से ये मतलब लगा लिया हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी कनेक्ट, अभी कैमरा हमको इंस्टॉल करना है कैमरा के साथ। कभी कभी किसी सब ब्रांड में नहीं, किसी किसी ब्रांड में ये दे देता है, मतलब ये आपको आसान हो जाएगा माउंटिंग करने के लिए। कैसे आप इंस्टॉल करेंगे वो भी दिखा देता हूँ, इसके साथ सब कैमरे का साथ नहीं, किसी किसी कैमरे का साथ देता है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा, मतलब ये इसके माप में ही, ये जो स्क्रू आप लगाएंगे इसका माप में ही ऐसे है। अगर आप कहीं भी इसको जहाँ कहीं आप लगाएंगे, पहले आप इजीली क्या करेंगे, ऐसे इसको चिपका दीजिएगा, ठीक है, और ड्रिल मशीन का यूज़ करके ये दो होल आप कर लीजिएगा। उसके बाद इस कैमरा को आप यहाँ ऐसे करके लगा लीजिएगा और स्क्रू से आप फिक्स कर लीजिएगा। आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा एरिया को मतलब आप व्यू चाहते हैं, उसी हिसाब से उसी जगह में आपको ये फिट कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक काम हमारा कंप्लीट, और एक काम बाकी रह गया, ये SMPS, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे कनेक्ट करता है। पहले ये एक बार देख लीजिए, ये जो SMPS होता है, हर बहुत सारा टाइप का SMPS होता है, मैं अगर ये SMPS इस टाइप का, ये बहुत ही अच्छा होता है, अगर इस टाइप का SMPS आप लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है AC, L एंड N, मतलब ये इसको पावर देने के लिए, मतलब ये इनपुट है इसका, लाइन एंड न्यूट्रल, इलेक्ट्रिक बोर्ड से आपको यहाँ लाइन कनेक्ट करवाना है और यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट करवाना है और यहाँ अर्थिंग, और ये दो जो मतलब यहाँ जो है ये दोनों क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे DC, मतलब AC लेके कन्वर्ट करके DC में ये आउटपुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब कैमरा को जिस हिसाब से मैंने पॉजिटिव नेगेटिव किया है उसी हिसाब से यहाँ हम लोगों को केबल कनेक्ट करना है, ठीक है, करके दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है। ये जो DC कॉर्ड हमने लगाया, इसका रेड वाला को हमने दिया क्या ना पॉजिटिव और ब्लू वाला को नेगेटिव, तो उसी हिसाब से
हमको यहाँ भी लगाना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ है पॉजिटिव, तो रेड वाला केबल हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव में ही कनेक्ट, मतलब सॉरी। इसको एक केबल आप थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और इसको हम लगाएंगे कहाँ, जिसी भी मतलब कैमरा जिसी भी चैनल 1 2 3 करके 16 है, मैं समझ लीजिए कि 8 में ये ऑटोमेटिकली देखिए कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी हम लोगों का काम ख़त्म, मतलब ये भी रेडी कर लिया, ये भी हो गया। अभी हम लोग पावर देंगे, पावर देने के लिए और एक काम करना है हम लोगों को, थ्रू VGA या थ्रू HDMI हम लोगों को हमारा जो मॉनिटर जहां हम लोग व्यू करेंगे उसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास एक HDMI मॉनिटर है, इसलिए मैं HDMI का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। पीछे मैंने लगा दिया मॉनिटर के पीछे, और यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां जो HDMI पोर्ट है हम धीरे से इसको यहां कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं ऑडियो कोई कुछ कनेक्ट नहीं किया, इसलिए ये सारा पोर्ट्स खाली है। ठीक है, और मैं HDMI यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं ऑडियो कनेक्ट भी करता तो हमको यहाँ जो ऑडियो आउटपुट है, देखिए यहाँ ऑडियो आउटपुट में हमको कोई एक्स्ट्रा स्पीकर का यूज़ करना नहीं पड़ता, आसानी से हमको यहाँ से ऑडियो मिल जाता। ठीक है, तो फिलहाल सारा काम रेडी, HD कैमरा है, मतलब यहाँ BNC और DC के लिए आपको इस टाइप का जैक मिल जाएगा। अगर ये IP कैमरा होता, मैं एडवांस लेवल में आप लोगों को दिखाऊंगा कि IP सेटअप के में सेटअप के बारे में भी डिटेल्स बताऊंगा। तो फिलहाल अभी देख लीजिए, ये हमको ऐसे करके यहाँ कनेक्ट कर देना है और इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पावर देंगे, मतलब पावर ऑन करेंगे। ये जो पावर स्विच है इसको मैं ऑन कर दिया। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ आ गया एक ग्रीन बटन वाला जो है, ये आ गया। और ये देखिए डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले भी हो गया ऑन। थोड़ा वक्त लगता है ऑन होने में, अभी कैमरा देखिए, डिस्प्ले में एक बार देख लीजिए, डिस्प्ले में हम लोगों का पिक्चर आ गया है। फ्रेंड्स, और एक बात इस कैमरा का बारे में, और मैं एक छोटा चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नाइट विजन काम कैसे करता है। नाइट विजन आप एक बार देख लीजिए, यहाँ बहुत सारा ये है कैमरा का लेंस, और इसका साइड में देखिए बहुत सारा LED लगा हुआ है। LED मतलब ये सारा IR LED, इंफ्रारेड LED लाइट्स है ये। ये देखिए यहाँ एक ब्लैक कलर का सेंसर लगा हुआ है। क्या होता है, कैमरा जब अंधेरे में जब इसको इस सेंसर को लाइट नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इस IR LED को ऑन कर देगा, और रात में भी हम लोग कैमरा का पिक्चर देख पाएंगे। देखिए अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, देखिए ये IR LED ऑन हो गया, और वहाँ पिक्चर देखिए। एक मिनट पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये कलर फोटो है, और अभी मैं क्या करूँगा, इस IR पर मैं मतलब
कर दूंगा। जैसे देखिए ये आईआर ऑन हो गया है और पिक्चर देखिए पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। ठीक है, सबसे अच्छा होगा मैं एक बार लाइट ऑफ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए पहले कलर फोटो। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अभी लाइट ऑन कर दो। ठीक है, देखिए फिर से ऑटोमेटिकली इसका आ गया कलर और ये हो गया ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट विजन ऐसे ही काम करता है। और यहाँ और एक बात बताना चाहूँगा, इसका जो सारा एलईडी है ये जितना पावरफुल होगा नाइट विजन उस कैमरा का उतना अच्छा से काम करेगा। मतलब नाइट विजन आप उतनी अच्छी क्लियरिटी में देख पाएंगे आपका डिस्प्ले में। आज के लिए यहीं तक, आगे का वीडियो में हम लोग इसका एडवांस जो फीचर्स होते हैं DVR का, मतलब मोशन रिकॉर्डिंग, इसका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग प्लेबैक देखते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ है मतलब यहाँ करने के लिए ऑनलाइन सेटअप। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। और फ्रेंड्स, और एक बात, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो दोस्त है उनको भी मिल जाए आसानी से CCTV के बारे में टोटल डिटेल। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।